आज के वीडियो में मैं कंप्लीट ग्रामर बुक एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी कुछ अगर मिस्टेक लगे तो आप हमको इन कमेंट सेक्शन में एनकाउंटर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्रूली रिवाइज्ड ग्रामर पावर क्लास 5। ग्रामर क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच से बना है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये सारे हैं। और ये मेरा बुक है सृजन पब्लिकेशन का। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो कुछ प्रीवियस ईयर्स से हम लोग देखते हैं लेटेस्ट रिवाइज। सबसे पहले आते हैं प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन में। प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसमें पूरे जाति का बोध होता हो, यानी कि प्रोपर नाउन भी जेंडर हो जाएगा। कॉमन नाउन मेडल, अब्दुल कलाम प्रोपर नाउन, स्पीच कॉमन नाउन। सोनालिका क्या है? प्रोपर नाउन है और बस है हमारा कॉमन नाउन, यानी कि यहाँ पर टूरिस्ट है कॉमन नाउन, रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन, मारिया एंड शबनम प्रॉपर नाउन, सूट कॉमन नाउन, रिजवान प्रॉपर नाउन, पेंसिल कॉमन नाउन हो जाएगा। और यहाँ पर रोहन एंड वरुण हमारा प्रॉपर नाउन, यूएस भी हमारा प्रॉपर नाउन, ये मंथ कॉमन नाउन, रामायण प्रॉपर नाउन, होली बुक कॉमन नाउन, हिंदू कॉमन नाउन। अब चलते हैं वर्ब, कहाँ पर कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होगा। द स्कूल इज क्लोज टूडे, सर्कल द करेक्ट वर्ब। द थीप्स यानी एक से ज़्यादा चोर है, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। आई वुड, आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। द शॉप अकेला शॉप है, द शॉप डिड नॉट हैव एनी शर्ट्स लास्ट इवनिंग, हैव हो जाएगा। देयर इज अ होल यानी कि यहाँ पर ए आ गया है, तो यहाँ पर इज का यूज होगा। वाई हैव यू नॉट कम्प्लीट योर टास्क यानी कि यू है, हैव होगा। हर पेरेंट्स एक से ज़्यादा पेरेंट्स हैं, तो यानी यहाँ पर आर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं ये कहाँ पर सब्जेक्ट और सर्कल सब्जेक्ट और अंडरलाइन प्रीडिकेट। इन द मकैनिक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सारे क्या है सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट के बाद जितना जो बचेगा ये हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। जैसे सानिया मिर्जा सब्जेक्ट, वन द टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये प्रीडिकेट। स्नेहास ग्रैंड माँ, गुरुदास एंड जोसफ, यू एंड योर फ्रेंड, लता एंड आशा, द ब्लैक डॉग ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सब हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। अब इसके बाद डी नंबर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ए का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए, एन का इस्तेमाल यानी कि ए ई आई ओ यू जो भी शब्द रहेगा, जैसे एप्पल भला वर्ड है ए, तो इसलिए एन लग जाएगा। द का इस्तेमाल खास चीज के लिए। डिड यू गिव रीना अ मैसेज यानी कि मैसेज, पहले एक ए, हाउस अकेला है ए, एप्पल यानी कि ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल साउंड है, तो एन हो जाएगा। द लास्ट एप्पल यानी कि ये स्पेशल एप्पल है, इसलिए द लगेगा। ऑमलेट में एन लगेगा, ओवर कोट में एन लगेगा, हैट में द लगेगा, यानी कि द लास्ट शो ऑफ हनुमान यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा, द लगेगा। अनयूजुअल यानी कि एन लगेगा यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोपर नाउन यानी कि यहाँ जो भी सुटेबल प्रोपर नाउन है वहाँ पर आपको लगा देना है। एक नंबर में ये हो जाएगा यानी कि दे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा है दे हो जाएगा। इफ़ द पुलिस ट्राई हार्ड यानी कि दे का इस्तेमाल उन लोगों के लिए, उन लोग यानी कि यहाँ पर कौन है, तो पुलिस है। आई ट्राई टू कैच द बॉल बट आई फेल डाउन। रीता वॉज क्राइंग बिकॉज शी वॉज अपसेट। बी केयरफुल ऑफ द पैरोट ही बाइट्स समटाइम्स यानी कि नीलम बॉट टू ड्रेसेस फॉर मी। इफ़ यू हैड अ डायमंड वुड यू वियर इट। All the glasses broke because it was not packed properly. अब यहाँ पर चलते हैं सर्कल द नाउन दे डिस्क्राइब यानी कि जो डिस्क्राइब करता है उसमें सर्कल, और जो एडजेक्टिव यानी कि जो विशेषण है उसमें अंडरलाइन मारना है। यानी हेलन केलर्स हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा और हैप्पी एडजेक्टिव। डिज्नीलैंड नाउन, एक्साइटिंग एडजेक्टिव। नेशनल क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा, चैम्पियन हमारा एडजेक्टिव। यंग एडजेक्टिव, प्लेयर नाउन हो जाएगा। सिस्टर नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। डिक्शनरी नाउन, बर्थडे ये हमारा नाउन हो जाएगा।
डिलीशियस एडजेक्टिव फूड नाउन, रेस्टोरेंट नाउन, कॉटन नाउन ब्राउन एडजेक्टिव, कारपेट नाउन ब्लू एडजेक्टिव, लेडी नाउन ओल्ड एडजेक्टिव, स्नेक नाउन पॉइजनस एडजेक्टिव, ट्रेन नाउन फर्स्ट एडजेक्टिव, जर्नी यात्रा टुडे, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा टुडे यानी आज। इसके बाद हम लोग चलते हैं एडवर्ब, जो भी हमारा सुटेबल एडवर्ब है इसमें भर देना है। वाई आर दोज मंकी जंपिंग अराउंड सो एक्साइटेडली हो जाएगा, दो नंबर में हो जाएगा क्विकली, थर्ड नंबर में हार्डली, फोर्थ नंबर में क्वाइटली, फिफ्थ नंबर वाइजली, सिक्स्थ नंबर फास्ट, सेवन नंबर टुडे, एट नंबर एक्साइटेडली। अब चलते हैं प्रीपोजिशन, यानी कि जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसमें क्या करना है, सर्कल मार देना है। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन मारा है। तो सबसे पहले एक नंबर में बैकवर्ड हो जाएगा, दो नंबर में एट, थर्ड नंबर में ऑन हो जाएगा। शीला इज गोइंग अप द स्टेयर्स, देयर इज ए वाइट स्पॉट ऑन योर चीक। ऑन यानी किसी चीज के ऊपर हो जाएगा, बैकवर्ड पीछे की ओर, एट पर ऑन किसी चीज के ऊपर। देयर आर टू प्लेयर्स ऑन द टेनिस कोर्ट, यानी कि अंडर तो नीचे हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। द थीप क्लाइम्ड ओवर द फेंस एंड ऑफ द गार्डन, प्रियंका इज वॉकिंग टुवर्ड्स द गेट, द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अब आते हैं कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस टू वर्ड और सेंटेंसेस। यानी कि दे हैव अ वॉशिंग मशीन बट दे नेवर यूज इट। शहर वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन एंड ही रिमेंड चीयरफुल। आई वुड लाइक टू लर्न स्केटिंग और स्विमिंग, यू कुड कम विथ अस और गो बाई योर सेल्फ, प्लीज स्टे विथ अस एंड टेल अस अ स्टोरी, द रैबिट हुप्ड एंड स्किप्ड अबाउट इन द ग्राउंड, लता लाइक्स केक्स बट नॉट पेस्ट्रीज, आई विल गो विथ यू, कम विथ मी, आई विल गो एंड यू कम विथ मी, यानी कि यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब चलते हैं सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इट सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा ये, विच मेक अ कम्प्लीट सेंस, ये सेंटेंस का डिफिनेशन हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज टू मेक कम्प्लीट सेंस, वी यूज अ कैपिटल लेटर टू बिगिन अ सेंटेंस, सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप। यानी कि सेंटेंस का शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है और ये जो सेंटेंस खत्म कहाँ होता है, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क पर ये हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। और सेंटेंस को क्या किया है, चार भागों में विभाजित किया है, जिसके विषय में आपको पता होगा। यानी कि पहला हो जाएगा डिक्लेरेटिव, दूसरा इम्पेरेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी। डिक्लेरेटिव यानी कि जो घोषणा करता है, इम्पेरेटिव ऑर्डर कमांड देता है, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछता है, एक्सक्लामेटरी यानी कि सडन फीलिंग और इमोशन वाले सेंटेंस हो जाएंगे। चलिए भरने वाले में, गौरव वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर इन द फर्स्ट स्विमिंग क्लास, दिस रोड लेड्स टू द रेलवे स्टेशन, इट वॉज वेरी सीरियस एक्सीडेंट, द कैट इज स्टिल स्लीपिंग ऑन द टेबल, गर्ल्स लाइक टू प्ले विथ डॉल्स, द डॉल्फिन इज अ प्लेफुल एनिमल, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock एवरी डे, हाउ कैन यू स्टीयर अ कार विदाउट अ स्टीयरिंग व्हील, ऑल ऑफ देम वेयर नीटली ड्रेस्ड, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। अब चलते हैं हमारा बी नंबर, रीड दिस सेंटेंस एंड टिक व्हाट काइंड, यानी कि इसको पढ़ना है और जो सेंटेंस का जो काइंड है उस पर हम लोगों को टिक मार देना है। यानी कि यहाँ पर एक्सक्लामेशन का मार्क आ गया तो एक्सक्लामेटरी हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन का मार्क हो जाएगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर, देर इज अ डिक्शनरी ऑन योर टेबल, यानी कि ये क्या कर रहा है, घोषणा कर रहा है, तो डिक्लेरेटिव हो जाएगा। वरुण प्लीज टाइड ऑफ योर शू, यानी कि ये इम्परेटिव, यानी कि ये इसको कमांड दे रहा है, इसलिए ये हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि कमांड दे रहा है। अब आगे चलते हैं फाइव नंबर, हैव यू हियर्ड द वेदर रिपोर्ट, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेशन का मार्क्स है तो एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। ओह नो माई ड्रेस इज रियूंड, सचिन कम हेयर एट वंस, ये 7 नंबर इम्परेटिव हो जाएगा। पुअर ललिता हैज लॉस्ट हर डॉग अगेन, एक्सक्लामेटरी, यानी कि ये हो जाएगा
एक्सक्लामेटरी शमिता लव्स प्रैक्टिकल जोक, यानी कि ये हमारा डिक्लेरेटिव हो जाएगा। अब चलते हैं सी नंबर, यानी कि इसको क्या करना है, क्वेश्चन में तब्दील कर देना है। एग्जांपल देख लेते हैं, रवि इज इन द पार्क, इसको क्वेश्चन में कैसे तब्दील किया है, वेयर इज रवि, यानी कि रवि कहाँ पर है, तो रवि इज इन द पार्क, रवि पार्क में है। तो एक नंबर हमारा ये है, मिस्टर रमन लिव्स इन मुंबई, तो विच प्लेस मिस्टर रमन लिव, तो मुंबई। आई केप्ट द बुक इन योर ड्रॉअर, वेयर डिड यू केप्ट द बुक। थर्ड नंबर, आवर फैमिली इज गोइंग ऑन अ पिकनिक, वेयर वेयर योर फैमिली गोइंग। जगत इज लाफिंग एट ए जोक, व्हाट रीजन डज जगत लाफ। सुगत रैन टू कैच द बस, व्हाई डिड सुगत रैन, यानी कि इसको क्वेश्चन में तब्दील हम लोग कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट करते जाइए, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें। रागिनी वॉज अपसेंट बिकॉज शी हैड फीवर, यानी कि वाई वॉज रागिनी अपसेंट। इट इज 7 o'clock, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, इट इज 7 o'clock। द गेस्ट्स आर लिविंग टूमोरो इवनिंग, यानी कि वेन द गेस्ट आर लिविंग, मंडे इज नॉट अ होलीडे, इज मंडे अ होलीडे। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, एंसर वेयर डिड हम्प्टी डम्प्टी सैट, यानी कि ये क्या कर रहा है, कमांड और रिक्वेस्ट कर रहा है। कमांड और रिक्वेस्ट गिव्स डायरेक्शन और ऑर्डर टू आस्क फॉर समथिंग टू बी डन, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस बिगेन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप। अब चलते हैं कमांड और रिक्वेस्ट वाला, यानी कि कमांड और रिक्वेस्ट मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस। सीमा गो एंड चेंज योर ड्रेस, एक नंबर में चेंज हो जाएगा, दो नंबर मार्चिंग, सोल्जर्स कैरी ऑन मार्चिंग, थर्ड नंबर में साल्ट, फोर्थ नंबर में हो जाएगा अभिनव एंड सुनीता गेट इनटू द बस, यानी कि फोर नंबर में बस हो जाएगा, फाइव नंबर में डोर, सिक्स नंबर टूल्स, सेवन नंबर लाइट, एट नंबर वाटर, नाइन नंबर ब्रश, टेन नंबर व्रैपर यानी चिमचिमी। अब आगे एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑलवेज इंड विथ अ एक्सक्लामेशन मार्क। चलते हैं इसमें एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। दिस सूप इज टू हॉट, आई कांट ईट इट, एक नंबर में सूप, दो नंबर ब्यूटीफुल टूडे, थर्ड नंबर सैड, फोर नंबर बी, फाइव नंबर केयरफुल, सिक्स नंबर हॉट, हाउ हॉट इट इज टूडे, सात नंबर लॉस्ट, आठ नंबर गेम, नौ नंबर टूमोरो, दस नंबर इमीडिएटली। अब चलते हैं एफ नंबर, इसको क्या करना है, इधर उधर दिया है, इसको हमें रीअरेंज मारना है। तो एक नंबर में क्या होगा, दिस एक्सरसाइज इज सो डिफिकल्ट सो आई कांट डू इट, दो नंबर आर यू श्योर ही विल विन दैट मैच, थर्ड नंबर द न्यूज कैन नॉट बी गुड सो इट इज ट्रू, यानी कि हैज मोहन इन्वाइटेड ऑल हिज फ्रेंड, द इंटायर क्लास टूक पार्ट इन द क्या हो जाएगा कॉम्पिटिशन, डॉन डज नॉट क्राई अ लॉट बेबी द नेक्स्ट डोर, द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, वेयर आर यू लाफिंग सो वाइडली, यानी कि वाई आर यू लाफिंग सो वाइडली, पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट यानी डोर ऑफ द एक्शन और बाकी प्रीडिक्ट हो जाएगा। ए सब्जेक्ट इज ए थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, इट कैन बी अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, इट कैन बी कंपोज ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउन, द प्रीडिक्ट इज द पार्ट दैट टेल्स अस समथिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि प्रीडिक्ट क्या है, सेंटेंस का एक ही भाग है जो कि सब्जेक्ट के विषय में बताता है। द प्रीडिक्ट कैन बी सिंगल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड एंड ऑलवेज कंटेन्स वन और मोर वर्ब। चलिए अब भरते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिक्ट लगाते हैं अपना मन से, सोनू निगम इज अ सिंगर, दे हैव अ गुड मेमोरी, माई मदर इज अ कुक, मिस्टर शर्माज शॉप इज नेक्स्ट टू द पुलिस स्टेशन, रवि हैज अ न्यू बाईसाइकल, दिस वर्स इज लवली, माई स्कूल इज क्लोज टू ट्रैफिक, प्रिया इज माई
डबल पार्टनर इन बैडमिंटन। अब चलते एच नंबर, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर प्रीडिक्ट दिया है, इसको आप लोगों को भरना है। तो यानी कि हमारा एक नंबर हो जाएगा ये, द एरोप्लेन क्या हो जाएगा, फ्लाइज हाई इन द स्काई, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द कैमल क्या हो जाएगा, कैमल द शिप ऑफ डेजर्ट हो जाएगा, यानी कि कैमल, देखिए कैमल हैज ए हम्प ऑन इट्स बैक, द पुलिसमैन क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन वेयर्स अ हेलमेट, द पैरोट यानी कि तोता के विषय में दिया हैज ए हुक्ड बीक, यानी कि इसको आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग मिला लीजिए नंबरिंग। अब आगे चलते हैं फ्रेज और क्लॉज के विषय में। फ्रेज क्या है, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड डेट मेक सम सेंस बट नॉट कम्प्लीट सेंस, यानी कि फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि क्या करता है, अब मिलने से एक मतलब बनाता है, लेकिन ये पूरी तरह से क्या है, मतलब नहीं बना पाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि इट डज नॉट हैव ए वर्ब सब्जेक्ट और प्रीडिक्ट, यानी कि इसके पास ना ही सब्जेक्ट होता है, ना ही प्रीडिक्ट होता है, और ना ही वर्ब होता है। तो इन द मॉर्निंग एट द स्टेशन, यानी कि इन द मॉर्निंग ये भी क्या है, ये सेंटेंस है, इसका मतलब पता चल रहा है कि हाँ कि सुबह में, लेकिन इसका पूरी तरफ से मतलब पता नहीं चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। और जबकि क्लोज क्या हो जाएगा, क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड डैट मेक सेंस हो जाएगा, इसमें क्लोज में हमारा सब्जेक्ट प्रीडिक्ट और वर्ब यहाँ तक कि तीनों रहता है। चलते हैं फ्रेज कैसे बनेगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, रॉबिन हुड शॉट एन एरो into the shot an arrow into the tree, we will play musical chair at the party, Muhammad Sami is a cricket player, all like to sleep all day, I wish I could fly like a bird in the sky, all the fishes are swimming in the water, will you come to my birthday, all the books fell off the shelf, Rahim plays the flute ब्यूटीफुली। अब आगे चलते हैं, अब फ्रेज वाला फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, रेलवे स्टेशन वाज नॉट वेरी क्राउडेड, द स्कूल वाज वेरी क्वाइट, यानी कि यहाँ पर क्वाइट ड्यूरिंग द एग्जाम, नीना वाज ए लिटिल नर्वस ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट, नोडी इज एट टॉप, नोडी इज क्या हो जाएगा, फाइव नंबर, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अब चलते हैं, नोडी इज अ स्टोरी बुक कैरेक्टर, माधव मेक्स बर्थडे कार्ड फॉर हिज फ्रेंड, यानी कि मौसमी लव्स टू प्ले नफ एंड कोर्सेस, द न्यूज़पेपर साइकल्ड, यानी कि आठ नंबर का ये है, एट टॉप स्पीड, द न्यूज़ पेपर मैन साइकिल एट टॉप स्पीड, द वुडन चेस्ट बिलोंग्ड, इससे बिलोंग ताल्लुक रखता है, टू माय ग्रैंड मदर, द चॉकलेट केक वाज एब्सोल्युटली डिलीशियस, यानी कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुने और इसमें भर डालें, क्योंकि ये जो भरने वाला दिया है उसमें मैंने नंबरिंग मार दिया हूँ। अब चलते हैं के नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेज ऑफ योर ओन, यानी कि अपने से फ्रेज इसको कंप्लीट करना है, फ्रेज बनाकर, दे बॉट अ कार्ड फॉर माई बर्थडे, द शॉपकीपर वॉज रूड टू हिज कस्टमर, ऑल द ऑरेंज रोल्ड ऑन द ग्राउंड, माई पेरेंट्स आर टॉकिंग मी टू माई स्कूल ट्रिप, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, आई डू नॉट नो Where you come from? I am writing a letter to my friend, which is the tallest boy. What will happen if you mix an egg? The fireman aimed the water into the playground. अब चलते हैं, इसको क्या करना है? Rewrite करना है, यानी कि कहाँ पर ये phrase होगा, लगाकर sentence को दोबारा लिख देना है। जैसे कि Runa and स्मिता ट्रेवल टू स्कूल टुगेदर इन अ भान, यानी कि इन्हें भान फ्रेज हो जाएगा, यानी कि जो भी सुटेबल होगा उसको लिख डालना है। द शर्ट इज वेरी अट्रैक्टिव इन द शॉप विंडो, द एनिमल्स आर वेल केयर इन द जू, यानी कि वेल केयर्ड इन द जू हो जाएगा।
यू कैन कलेक्ट शेल्स एंड पीबल्स इन पेबल्स ऑन द बीचेस इन गोवा. द गर्ल्स गो टू बेड एट 9 o'clock. द ओल्ड मैन इंटर्ड द शॉप. यानी कि द ओल्ड यानी कि द गुड नेचर्ड ओल्ड मैन इंटर्ड द शॉप. इन द मैच मेसी स्कोर्ड 4 goals. यानी कि इन द मैच बिटवीन हॉलैंड एंड अर्जेंटीना मेसी स्कोर्ड 4 goals. इसका ये आंसर हो जाएगा. यानी कि यहाँ से जाएगा, यहाँ ये वाला लिखाएगा और लास्ट में ये. ठीक ऐसे ही द गुड नेचर्ड ओल्ड मैन इंटर द शॉप. तारा डिसाइडेड टू स्टडी इन द बालकोनी. देर आर सम वाइट लिलीज इन द पॉन्ड. आई सॉ अ कोबरा बिहाइंड द ह्यूज रॉक. यानी कि फ्रेश डज नॉट हैव अ वर्ब. यानी कि फ्रेश के पास कोई भी वर्ब नहीं होता है. फ्रेश के पास कोई भी वर्ब नहीं होगा. अब चलते हैं चैप्टर 2. चैप्टर 2 हमारा नाउन है. यानी कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. इसमें क्या भराएगा? तो इसमें पीपल में सन, प्लेस में स्कूल, यानी कि एनिमल वर्ड में शिप, थिंग्स में शॉक, आइडियाज में स्मार्टनेस, मटेरियल में सिल्वर. यानी कि पीपल में यहाँ पर सन हो जाएगा, माला हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा, दिया हो जाएगा. प्लेस में स्कूल, मॉल, पटना, दमन हो जाएगा. एनिमल और बर्ड में हम मंकी, शिप, पिजन, डॉग. थिंग्स में हमारा सॉक्स हो जाएगा, मेज हो जाएगा, पैन हो जाएगा, डेस्क हो जाएगा. स्मार्टनेस में क्या हो जाएगा? मोशी हो जाएगा. मटेरियल में हमारा सिल्वर हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, और ये हमारा दाल हो जाएगा. अब चलते हैं यहाँ पर क्या भराएगा. समवन हु पेंट्स, यानी कि जो पेंट करता है पेंटर, जो केक बनाता है बेकर, जो क्रॉप उपजाता है फार्मर, जो म्यूजिक बजाता है म्यूजिशियन, स्कूल का हेड प्रिंसिपल हो जाएगा. यानी कि जो सेल, यानी जो सेल करता है सेलर, यानी कि कैशियर, यानी कि जो मनी को हैंडल करता है कैशियर, जो कि कार्टून बनाता है कार्टूनिस्ट, यानी कि ब्रेक सीक्रेट कोड, यानी कि जो कंप्यूटर का सीक्रेट कोड को क्या करता है, पढ़ाई करता है क्रिप्टोग्राफर, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाता है आर्किटेक्ट. अब चलते हैं इसमें कॉमन नाउन बनाना है. हाउस का कॉमन नाउन हाउस में हो जाएगा, डोर हो जाएगा, विंडो हो जाएगा कॉमन नाउन. किचन में 2 कॉमन नाउन, सिंक, स्टोव. ऑडिटोरियम में चेयर, मैट हो जाएगा. जू में हो जाएगा केज, ट्रीज हो जाएगा. हॉस्पिटल में कॉमन नाउन हो जाएगा बेड और नर्स हो जाएगा. प्लेग्राउंड का कॉमन नाउन हो जाएगा ग्रास और पब्लिक हो जाएगा. शॉप का कॉमन नाउन कस्टमर, शॉपकीपर. स्कूल का कॉमन नाउन टीचर्स, स्टूडेंट्स. कंट्री का कॉमन नाउन हो जाएगा पीपल, प्रेसिडेंट. अब मार्केट का कॉमन नाउन हो जाएगा क्राउड और शॉप्स हो जाएगा. अब आगे चलते हैं. यानी कि नाउन का ये यहाँ पर पेयर दिया है, वो फिल द ब्लैंक्स में आपको यही पेयर भरना रहेगा. आई नीड अ पेपर एंड पेंसिल टू मेक नोट. द बॉयज एंड गर्ल्स वेयर प्लेइंग हैंगमैन इन द क्लास. ऑल द साल्ट एंड पेपर आर केप्ट इन द किचन कपबोर्ड. टेक ऑफ योर शूज एंड सॉक्स बिफोर गोइंग इन टू द रूम. माई ग्रैंड फादर एजुकेटेड ऑल हिज सन्स एंड डॉटर. ऑल माई आंट्स एंड अंकल आर इन द US. प्लीज गिव मी अ नीडिल एंड थ्रेड टू सीव द बॉटम ऑन माई शर्ट. यू विल बी एबल टू वर्क आउट द पजल बाई यूजिंग द ट्रायल एंड एरर मेथड. 9 नंबर इन ट्रेनिंग. यानी कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग. आई लाइक ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. अंकित लॉस्ट हिज लॉक एंड की इन द प्ले ग्राउंड. यू शुड ईट lots of fresh fruits and vegetables. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Ramu is studying day and night for his medical entrance exam. Keep these jewels under table and chair. I have recently purchased a bat and ball. यानी कि प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स का नाम हो जाएगा. तो इसमें चलते हैं. द नेम ऑफ साइक्लोन, तो इसका ये हो जाएगा. एन आइसलैंड नियर इंडिया, तो इसका लक्षद्वीप शायद है, कहाँ गया? 2 नंबर श्रीलंका. 3 नंबर में हमारा हो जाएगा हैरी पॉटर. यानी कि हैरी पॉटर क्या है? पॉपुलर स्टोरी बुक कैरेक्टर है. 4 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉट, यानी कि कल्पना चावला. कहाँ गई कल्पना चावला?
फोर नंबर, हाँ यहाँ कल्पना चावला। हमारा फिफ्थ नंबर डिज्नीलैंड, सिक्स नंबर नर्मदा, सात नंबर स्पिनिक्स यानी कि द एशियंट स्टेचू इन इजिप्ट, स्पिनिक्स। एट नंबर बिल गेट्स, नाइन नंबर इंडिया टुडे, 10 नंबर मैड्रिड यानी स्पेन का राजधानी मैड्रिड हो जाएगा। अब आगे ये जो रहा कुछ यानी कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ए गैंग ऑफ रोबर, यानी कि ये हमारा कलेक्टिव नाम हो जाएगा। यानी कि कलेक्टिव नाम क्या हो जाएगा, वर्ड फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल एनिमल और थिंग, यानी कि लोगों व्यक्तियों जानवर के ग्रुप का नाम कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि इसमें से जो कलेक्टिव नाउन है इसमें से आपको भर देना है। एन आर्मी ऑफ एंट, ए हाइव ऑफ बी, ए पैक ऑफ शिप, क्या हो जाएगा, अ फ्लाइट ऑफ शैलो, क्या हो जाएगा, ए ब्रूड ऑफ हेन, ए क्रू ऑफ सेलर, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, डायनेस्टी ऑफ किंग, ए कास्ट ऑफ एक्टर, ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, एंड क्या हो जाएगा, असेंबली ऑफ पीपुल, अ बंडल ऑफ स्टिक, अ बेल ऑफ कॉटन, अ फ्लीट ऑफ शिप, ए हिप ऑफ स्टोन, ए ब्रूड ऑफ चिक्स, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, अ लॉफ ऑफ ब्रेड हो जाएगा। इसमें से क्या करना है, नाउन को इसमें भर देना है। ए हॉर्ड ऑफ काउस वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ सिप्रा शो अ प्राइड ऑफ लायंस इन द गिर सेंचुरी, आई वुड लाइक टू बाई अ बंडल ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द फ्रूट सेलर, द कंपनी ऑफ एक्टर्स वाज सिटिंग इन द थिएटर्स ग्रीन रूम, आई फेल ऑन अ हीप ऑफ सैंड ऑन द बीच, अ पैक ऑफ वुल्व्स गैदर अराउंड द टेरिफाइड गर्ल, द रेंज ऑफ माउंटेन्स वाज कवर्ड विथ स्नो, द गवर्नमेंट फॉर्मड अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट टू जज द, क्या हो जाएगा ये, ऑफ द एयरक्राफ्ट, द ग्रोसर केप्ट द क्लच ऑफ एग्स, ए फ्लॉक ऑफ पिजन, इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पर कलेक्टिव नाम क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ पैक ऑफ कार्ड यानी कि अ बुकेट ऑफ फ्लावर, अ पाइल ऑफ बुक यानी सोनल्स फैमिली, आई वेंट माई, क्या हो जाएगा ये, फाइव नंबर कहाँ गया, हाँ अ ट्रूप, ट्रूप। सिक्स नंबर टीम हो जाएगा, अ क्राउड, ऑन अ क्लियर नाइट यू कैन सी मेनी कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारों का समूह, अ फ्लॉक ऑफ क्रैकिंग गीज, अ क्लास ऑफ फॉल्क डांसर, इसमें हो जाएगा। ए वाइज हर्मिट के पास क्या हो जाता है, पर्सन क्वालिटीज तो विजडम होता है, ठीक उसी प्रकार इंटेलिजेंट वोमेन क्या हो जाएगा, पैशनेट हो जाएगा, अ वायलेंट बीस्ट हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अ ब्यूटीफुल फ्लावर क्या हो जाएगा, पर्सनल क्वालिटीज तो हैप्पीनेस हो जाएगा, एलिजी बॉय का क्या हो जाएगा, डिले वर्क हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन ट्रूथ हो जाएगा, पर्सनल क्वालिटी, अ क्लीन रूम हो जाएगा, फ्रेश लुक, अ प्राउड किंग ट्रस्ट हो जाएगा। यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जो नाउन जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं अन काउंटेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यूएन मतलब अनकाउंटेबल, और जो नहीं होगा उसको सी लिख दिया है तो काउंटेबल हो जाएगा। चलते हैं काउंटेबल नाउन जो ऊपर में हमारा हो जाएगा, स्कूल, मदर, होम, फूड, लंच, वेजिटेबल्स, चिल्ड्रन, विंडो। अनकाउंटेबल नाउन मॉर्निंग, डिजर्ट, करी और वाटर हो जाएगा। सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। ये कुछ नियम है, एस जो लास्ट में एस एक्स एस एच सी एच और ओ लगा रहे तो इसमें ई एस लगा देंगे, इसको नियम आपको पता ही होगा। अब चलते हैं डायरेक्ट, यानी कि वन फॉक्स मेनी फॉक्सेज, वन लाइफ मेनी लाइफ्स, वन सीजर सीजर्स का सीजर हो जाएगा, जींस का जीन्स, शिप का शिप्स, चाइल्ड चिल्ड्रेन, माउस माइस, पोटैटो पोटैटोस, वाइफ वाइफ्स, वरी वरीज, बेबी बेबीज, डियर डियर हो जाएगा, फैमिली फैमिलीज हो जाएगा, ग्लास ग्लासेज, टूथ टूथ, स्टेट स्टेट्स, मूवी मूवीज, कैट कैट्स हो जाएगा, बुक बुक्स हो जाएगा, हीरो हीरोज हो जाएगा। अब चलते हैं प्लूरल इसमें बनाना है, ऑर्नामेंट का ऑर्नामेंट्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, डायरी डायरीज, टूथ टीथ, पुलिस मैन पुलिस मेन, रेंडियर रेंडियर हो जाएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स, कजन कजन, शिप शिप्स, एक्सरसाइज एक्सरसाइजेस हो जाएगा। अब चलते हैं प्लूरल से सिंगुलर बनाना है, तो ब्रशेज का सिंगुलर ब्रश हो जाएगा, बी नंबर चेरीज का चेरी,
वॉचेज वॉच, ओमेन का ओमेन, एलिफेंट्स एलिफेंट, साइकिल साइकिल, बेबीज बेबी, डियर डियर, टॉर्चेस टॉर्च हो जाएगा, रोड्स का हो जाएगा रोड हो जाएगा। अब चलते हैं जेंडर। जेंडर मतलब होता है लिंग। जेंडर चार प्रकार का होता है, फेमनिन मस्कुलिन कॉमन और न्यूटर जेंडर होता है। बॉय क्या हो जाएगा, मस्कुलिन, गर्ल फेमनिन, हीरोइन कॉमन, और न्यूटर जिसमें जान प्राण ना हो। यानी कि मस्कुलिन में मिस्टर, हीरो, अंकल, लायन, कॉक, पीहेन, हस्बैंड, बुल, सन इन लॉ, प्रीस्ट हो जाएगा। फेमनिन मिसेज, हीरोइन, अंट, लायनेस, हेन, पीकॉक, वाइफ, काउ, डॉटर इन लॉ, प्रिस्टेस। फेमनिन मैडम, मिस्ट्रेस, डचेस, विक्सन, लेडी, प्रिंसेस, हंट्रेस, हियरेस, नाइस गर्ल। मस्कुलिन यानी कि मैडम, सर, मिस्टर, मिस्टरेस, ड्यूक, डिकेस, फॉक्स, विक्सन, जेंट्स, लेडी, प्रिंस, प्रिंसेस, हंटर, हंट्रेस, हायर, हायरेस, नेफ्यू यानी कि मेल नेफ्यू और नाइस भतीजी, नेफ्यू भतीजा, बॉय का गर्ल। अब चलते हैं यहाँ पर, ये कुछ इधर उधर दिया है, इसको आप लोग बनाना है। तो एक नंबर में हमारा अनस्क्रैम्बल वर्ड रहा है, इधर है, इसको क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। दो नंबर बेबी, थर्ड नंबर कजन, फोर नंबर पीपल, फाइव नंबर फ्रेंड, सिक्स नंबर पार्टनर, सेवन नंबर ऑथर, एट नंबर पार्ले, नाइन नंबर इंजीनियर, टेन नंबर डॉक्टर, इलेवेंथ नंबर एथलीट, ट्वेल्व नंबर पीपल, थर्टीन चाइल्ड, फोर्टीन नाइबर, फिफ्टीन ई नोमी इमोनी, सिक्सटीन नंबर थीप हो जाएगा, सोलह नंबर चोर हो जाएगा। अब चलते हैं नाउन, न्यूट्रल जेंडर लगाकर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। एक नंबर में बकेट हो जाएगा और उसका दो उसी में वाटर हो जाएगा। दो नंबर द कैट ड्रैंक द मिल्क ऑल द टॉयज इन द चिल्ड्रेंस रूम। मैंगो ट्री हो जाएगा, डर्टी डिशेज हो जाएगा, विंडो अ गुड वॉश टुडे यानी कि प्लांट विल डाई सून, मिस्टर टंडन्स न्यू डाइनिंग टेबल यानी कि बिग बंच ऑफ ग्रेप्स हो जाएगा, शॉर्ट ऑन द बेल ब्रोक ऑफ विंडो, बॉल ब्रोक विंडो, बॉल और विंडो हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, इसको जेंडर चेंज कर देना है। अंकल का आंटी हो जाएगा, मदर का फादर हो जाएगा, लायन लायनेस, टाइगर टिग्रेस हो जाएगा, गर्ल्स का बॉय हो जाएगा, किंग का क्वीन हो जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेज हो जाएगा, अंट का अंकल हो जाएगा, नाइस का नेफ्यू हो जाएगा, और नेफ्यू का नाइस हो जाएगा, नाइस नाइस भतीजी, नेफ्यू भतीजा, विजार्ड का विच हो जाएगा, स्टेलिन का क्या हो जाएगा, स्टेलिन का स्टेलिंग वांड द मेयर, स्टेलिन का हो जाएगा मेयर घोड़ा, मेयर घोड़ी, पिकॉक का पीहेन हो जाएगा, सेल्समैन सेल्सवुमन, इम्परर इम्परेस हो जाएगा। अब चलते हैं पोसेसिव नाउन यानी कि अधिकारवाचक संज्ञा, यानी कि इसके जो भी नाउन रहेगा उसमें कॉमा लगाकर एस जुड़ा रहेगा तो हमारा पोसेसिव नाउन हो जाएगा। इसमें द एलिफेंट्स ईयर, चिल्ड्रेंस बैग, सिटीजन्स ड्यूटी, एक्ट्रेस स्माइल यानी कि जिसके लास्ट में अगर एस रहेगा तो उसके एस के बाद कॉमा मार देंगे, और जिसमें अधिकार जमाना, जिसमें एस नहीं रहे उस जो वर्ड खत्म होगा उसके बाद क्या करेंगे, ठीक ऐसा एक कॉमा मारेंगे तब एस लगाएंगे, अगर जिसमें ऑलरेडी पहले से एस रहेगा तो उसके लास्ट में लगाएंगे। यहाँ पर बर्ड्स हो जाएगा, सिस्टर्स, स्क्यूरल्स, स्टूडेंट्स, डॉग्स, लेडीज। चलते हैं पोसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन, द लायंस मेन, द डॉक्टर्स स्पेक्टिकल्स, द मिनिस्टर्स गार्ड, बर्ड्स फीदर, फ्रेंड्स मदर, फेरीज वांड, हाइनास लाफ, जिराफ स्नेक, क्लोन्स एंटिक्स, किंग्स पावर, सोल्जर्स करेज, कॉक्स नाइफ, डॉग्स बार्क, बीस बजिंग, हेन्स चिक्स, ऑथर्स पेंटिंग, मंकीज चैटर, इंडियन एथलेटिक्स, ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। इसमें क्या करना है, जेंडर चेंज कर देना है, कॉक हेन हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, ड्रैक ड्रक, बुल काउ, जेंट्स लेडी, अंकल अंट, हॉर्स मेयर, रैम यू, हंटर हंट्रेस, पीकॉक पीहेन, ब्राइड ग्रूम ब्राइड।
फादर मदर मैन वुमेन एम्परर एम्प्रेस लॉर्ड लेडी नेफ्यू नाइट सर मैडम विजार्ड विच शेफर्ड शेफर्डेस हॉक्स भिक्सन सेल्समैन सेल्सवुमेन हस्बैंड वाइफ स्टूअर्ड स्टूअर्डेस। अब चलते हैं वर्ब, यानी कि ऑल द एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर वर्स वेयर, मेन वर्ब जिसमें लास्ट में ना लगा रहे। द ट्विंस फाउंड हो जाएगा, दो नंबर ड्राइव्स हो जाएगा, थर्ड नंबर फॉरगॉट, फोर नंबर वेटेड, फाइव नंबर लीफ, सिक्स नंबर अराइव्ड, सेवन नंबर विल फ्लाई, एट नंबर इज टॉकिंग, नाइन नंबर हेल्प, टेन नंबर लव। इसमें क्या करना है, इसमें अब वर्ब का अपोजिट बना देना है। रोज फेल हो जाएगा, इसमें स्टूड सीट हो जाएगा, फिनिश्ड का स्टार्ट, फाउंड का फॉरगेट हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेल का अपोजिट हो जाएगा बाय, टेक का गिव हो जाएगा, इंटर का आउट हो जाएगा, सेपरेट का स्टिक हो जाएगा, एंड डिसअपेयर्ड का अपेयर्ड हो जाएगा, शोड का डिसअपेयर हो जाएगा, शो यानी दिखाई पड़ना, डिसअपेयर मतलब गायब हो जाना, यानी कि डिपार्ट का अराइव हो जाएगा, लॉस का हो जाएगा फाउंड। वी सॉ, मी सर्च, ललिता लॉप्स, इसमें डिपार्ट, फाइव नंबर परफॉर्म्ड, रवि ऑलवेज वॉसेज, रविंद्रनाथ टैगोर रोट, यू कैन सेलेक्ट, मिस माई अंकल लिफ्ट, यूज टू लिफ, और इसमें शिफ्टेड, असिस्ट हो जाएगा यानी मदद करना। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब यानी कि मान लीजिए कोई वर्ब रहेगा, वर्ब में हम लोग हु और व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मीना सैंग अ सॉन्ग, सैंग हु सैंग, द आंसर हो जाएगा मीना। अब चलते हैं डी नंबर, द हॉर्स गैलोप्ड, ए ह्यूज शिप सेल्ड, यानी कि गार्डनर वाटर्ड, टीचर ट्रांसलेट, यू डोंट रिपेयर्ड, सोल्जर मार्च्ड, इंजीनियर फेल, संतोष यादव क्लाइम्ब, एरोप्लेन विंड, टाइट फ्लू हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें क्या करना है, इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें गोल घेरा, वर्ब में अंडरलाइन, यानी कि यहाँ पर जो भी गोल घेरा है हमारा सब्जेक्ट और जो भी अंडरलाइन है वो हमारा वर्ब है। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग बुक में टिक मार लीजिए। अब चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो हमारा वर्ब भी प्लुरल रहेगा। यानी कि देयर इज अ रेड मार्क ऑन योर फोरहेड, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर सिंगुलर, कजन सिंगुलर, इज सिंगुलर, ब्लूबेरी ट्री एक है तो यहाँ पर इज हो जाएगा, यानी कि फोर नंबर में सीट्स एक से ज़्यादा है तो हैव हो जाएगा, यानी कि दो कैरेक्टर है तो आर हो जाएगा, पॉपिस टीथ यानी कि टीथ यानी टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब एक से ज़्यादा तो आर हो जाएगा, यानी कि नीलू सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, पैसेंजर्स प्लुरल है तो हैव आ जाएगा, यू यू के हमेशा प्लुरल रहेगा, यहाँ पर दो कैरेक्टर है कर्ण करण और अनुज तो आर हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, टू नो द सब्जेक्ट आस्क हु और व्हाट बिफोर वर्ब, यानी कि वर्ब के पहले हु और व्हाट लगाकर क्या करेंगे, पूछेंगे, जो हमारा आंसर आएगा तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। टू नो द ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को जानने के लिए वर्ब के बाद क्या करेंगे, हु और व्हाट, यानी वर्ब से पहले हु व्हाट लगाएंगे तो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद हु व्हाट लगाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, स्कोर्ड स्कोर्ड व्हाट तो हमारा गोल हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट को सिंगुलर सर्कल और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन, जहाँ पर जो सर्कल है वो हमारा वर्ब है, भले जो सर्कल है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो अंडरलाइन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। देख सकते हैं ही पर्सल वेयर स्मोक इज व्हाट, इज व्हाट द स्मोक विदाउट फायर, देख सकते हैं। आप चलते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि फाइनाइट वर्ब सब थिंग्स कॉल्ड अ मेन वर्ब, यानी कि जो मेन वर्ब रहता है वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा और जो हेल्पिंग रहेगा वो नॉन फाइनाइट रहेगा, यानी कि जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। यानी फाइनाइट वर्ब समटाइम कॉल्ड अ मेन वर्ब इज ए वर्ब डैट हैज ए सब्जेक्ट, यानी कि फाइनाइट वर्ब में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और यह टेंस के हिसाब से चेंज करेगा अपना, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या रहेगा, उसके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा
और वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा, तो वो नॉन फाइनाइट। यानी कि तानिया लाइक टू राइट पोएट्री, यानी कि कोई भी टेंस के अनुसार चेंज नहीं कर रहा है। रीड द सेंटेंस। स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पॉट। माई अंकल गोज टू हिमालयस फॉर ट्रेकिंग। यहाँ पर कुछ पढ़ लेते हैं। इन्फिनिटिव विथ टू आर कॉल्ड टू इन्फिनिटिव, यानी कि भाव से पहले टू लगाएंगे तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटिव विदाउट टू आर कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव, और टू अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो आप लोग ये जो अंडरलाइन किया है इसको आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं बनाने के लिए एक्सरसाइज के ऊपर। यानी कि एवरीबॉडी इन आवर क्लास लाइक्स प्लेइंग, वी गो टू प्रैक्टिस एवरीडे इन आवर गेम पीरियड। सम ऑफ अस लव क्या हो जाएगा, प्लेइंग बास्केटबॉल। समटाइम्स वी गो टू प्ले बैडमिंटन, माई फ्रेंड रुकू इज गुड एट टू प्ले बैडमिंटन। अब चलते हैं जेरंड, यानी कि ING जिसमें लगा रहा है वर्ब में और वो हमारा सब्जेक्ट हो तो हमारा जेरंड हो जाएगा। साइकिल साइकिलिंग। साइकिलिंग इज द इजिएस्ट वे टू रीच द कॉलेज फ्रॉम द हॉस्टल। इट ईटिंग, तो इसका सेंटेंस ईटिंग इज ए गुड एक्सरसाइज ऑफ आवर क्या हो जाएगा, माउथ। स्लीप स्लीपिंग। स्लीपिंग गेट्स रिलैक्स टू आवर माइंड। वॉच वॉचिंग। वॉचिंग इज द इजिएस्ट वे टू गेट क्या हो जाएगा, वॉचिंग इज द इजिएस्ट वे टू गेट इंटरटेनमेंट। कुक कुकिंग। कुकिंग इज माई हॉबी, यानी कि ट्रांजिटिव और इंटेंसिटिव पता ही होगा। ट्रांजिटिव यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इंटेंसिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि ये क्या है, लाफ्ट लाउडली, ऑब्जेक्ट नहीं है। इंटेंसिटिव इंटेंसिटिव ट्रांजिटिव, यानी कि सेलिंग वेजिटेबल। वेजिटेबल व्हाट सेलिंग वेजिटेबल, सेलिंग व्हाट, व्हाट से हु सेलिंग द मैन, सेलिंग व्हाट वेजिटेबल हमारा ऑब्जेक्ट। फोर नंबर ट्रांजिटिव, फाइव नंबर इंटेंसिटिव, सिक्स नंबर ट्रांजिटिव, सेवन नंबर ट्रांजिटिव, एट नंबर इंटेंसिटिव, नाइन नंबर इंटेंसिटिव, टेन नंबर इंटेंसिटिव। अब चलते हैं टेंस, यानी काल। टेंस तीन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबका अलग अलग चार होता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंस पर जानेंगे। चलते हैं इसको भरते हैं। वी वॉच कपूर्स फैमिली गोज, ग्रैंड फादर वॉक, सन राइजेस, हॉर्स नाइट्स और ब्री। अर्थ रिवॉल्व, प्लैनेट रोटेट्स, बियर्स लव्स, डॉग्स वेक, बेबीज क्राई, इसमें यही भराएगा इसका पेज नंबर 41 में। अब एल नंबर, द चिल्ड्रन ऑलवेज प्ले, ही नोज इसमें राइट, ही कैचेस, इट स्मेल्स, मोहन वर्क, वी सिंग, आई बिलीव, स्टिच टाइम सेप्स, यहाँ लाइफ लाइफ, मिसबिहेव। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का ING फॉर्म और अदर वर्ड। यानी कि नेहा क्राइज लाउडली, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है। नेहा इज क्राइंग लाउडली। राज स्विम्स लाइक ए फिश, राज इज स्विमिंग लाइक अ फिश। ज्योति इज स्माइलिंग स्वीटली, दिस ग्रुप इज प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, सचिन इज हीटिंग फूड ऑन द स्टोव, पेपर्स आर फ्लाइंग इन द विंड, द मॉस्किटोज आर ट्रबलिंग श्याम अ लॉट, जावेद इज एक्सेप्टिंग अ सरप्राइज गिफ्ट, एलिसन इज पेंटिंग विथ ऑयल कलर, सुमन एंड राधिका आर प्लेइंग क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल। इसमें ING लगा देना, यानी कि इसमें जो दिया है ब्रैकेट में समय ING। साइकिल साइकिलिंग, प्लान प्लानिंग, ट्रिप ट्रेकिंग, हम हमिंग, पौर पौरिंग, रिटायर रिटायरिंग, एंजॉय एंजॉयिंग, पीर पीरिंग, स्टेप स्टीपिंग। पास्ट टेंस यानी कि वर्ब टू वाला, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट भी टू अदर वर्ड, सब्जेक्ट भी टू अदर वर्ड, पहचान था है थी है थे है आई है। चलते हैं पास्ट टेंस, कम का पास्ट केम, स्टॉप स्टॉप्ड, प्रिवेंट प्रिवेंटेड, सफर सफर्ड, लेट लेटेड, डिस्कवर डिस्कवर्ड, फॉल फेल हो जाएगा इसमें उल्टा हो जाएगा, कॉल कॉल्ड हो जाएगा, रिप्ले रिप्लाइड, द बॉय कॉल्ड नॉट रिप्लाइड व्हेन, यानी कि द बॉय नॉट रिप्लाइड व्हेन कॉल्ड।
यानी कि इसमें नहीं होगा, रिप्लाइड इसमें हो जाएगा और कॉल्ड इसमें। माई मदर फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, चेस, चेस्ट। अब वर्ब पास्ट टेंस वाला वर्ब लगा देना है, जो वर्ब है उसको पास्ट टेंस में तब्दील। सिंग का सैंग हो जाएगा, कम कम्स का केम हो जाएगा, इज का वाज हो, इज का वाज हो जाएगा, सेल्स का क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, सी का सौ हो जाएगा, हैच का हैड हो जाएगा, कैचेस का कैच्ड हो जाएगा, बाथी का बाथड हो जाएगा, कुक का कुकड हो जाएगा। अब सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल विल भी बन गा है, गी है, गे है। वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस एक्शन डैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। ही विल गो, वी विल हैव, आई शैल प्ले, द स्कूल विल क्लोज, ही विल सॉल्व, द सन विल सेट, देयर प्लान विल नॉट वर्क, आई विल कैच, ही विल श्योरली गेट दिस जॉब, आई शैल प्रे फॉर योर सक्सेस। आगे चलते हैं रिविजन टेस्ट। रिविजन टेस्ट वन, टुमारो इज हॉलीडे, डिक्लेरेटिव, प्लीज पास मी साल्ट, इम्परेटिव, थर्ड नंबर एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ नंबर क्वेश्चनिंग, फाइव नंबर डिक्लेरेटिव, सिक्स डिक्लेरेटिव, सेवन इंट्रोगेटिव, एट एक्सक्लेमेटरी, नाइन इंट्रोगेटिव, टेन डिक्लेरेटिव। अब बी नंबर, सब्जेक्ट को सर्कल और प्रीडिक्ट को अंडरलाइन कर देना, आवर स्कूल सब्जेक्ट इज वेरी गुड, प्रीडिक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके, कल चावलास गार्डन सब्जेक्ट इज इन फुल ब्लूम, प्रीडिक्ट हो जाएगा। मस्कुलिन यानी पुरुष, फेमिनिन महिला, जो पुरुष है उसको क्या करना है, सर्कल, जो महिला है अंडरलाइन, पुरुष महिला, पुरुष 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 महिला, महिला पुरुष महिला, पुरुष पुरुष पुरुष, ये गुस महिला। आप लोग देख सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें। इसमें जो सुटेबल वर्ब है, नेहा इज सिंगुलर, इज प्लुरल, हैव सिंगुलर, डांस स्लिप सिंगुलर है, वेयर यू के प्लुरल है, फ्रेंड्स हैव, हेयर आर, एंसर सिंगुलर, आई वॉक, टीचर डिसाइडेड, वेक। अब चलते हैं साइनिम्स यानी मिलता जुलता, और एंटोनिम्स यानी उल्टा हो जाएगा। एक्टिव हेल्प यानी कि ये सब साइनिम्स और एंटोनिम्स है। आर्टिकल यानी ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, ए का इस्तेमाल सिंगुलर, एन का इस्तेमाल वोवेल्स और द का इस्तेमाल स्पेशल चीज के लिए करते हैं। ए और एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल और द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट भरने वाला, ए नंबर, ए एन द का ए नंबर यानी कि आई हैव अ काउ, एन ऑक्स, अ हॉर्स एंड एन एलिफेंट, ए लकी बॉय, अ यूरोपियन, एन इंडियन, अ ग्रेट एक्सप्लोरर, एन आयरन ब्रिज, अ हम्बल, अ बर्ड, अ हरी, एन अम्ब्रेला, अ यूजफुल थिंग्स, अ वन रुपी नोट। द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल, बिकॉज इट्स रेफर टू अ डिफिनिट और पार्टिकुलर, यानी कि द से डिफिनिट या पार्टिकुलर चेंज को रेफर होता है, इसलिए द हमारा डिफिनिट आर्टिकल है। अब क्या इसमें भराएगा, देख सकते हैं, आप लोग पता है, द सन मेल्ट्स स्नो, कैन यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, यानी कि ए एंड द जहाँ पर होगा इंसर्ट कर देना है। हेल्प द पुअर, हैंडकरचीफ इज मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ, द डॉक्टर वे, द फादर अ वर्ड, सेवन नंबर अ वर्ड हो जाएगा, एट नंबर अ यूएफओ, नाइन नंबर द यूनिवर्स, टेन नंबर अ प्राइज। चलते हैं अब सी नंबर, ए एंड द सन शोन ब्राइटली ऑन द लिटिल बॉय, इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लैक अम्ब्रेला विथ द वुडन हैंडल, एन एयरक्राफ्ट, द पीस ऑफ पेपर, द बॉक्स ऑफ कैरी ऑन, एन ऑल, द बार्ग, द बैक ऑफ द फार्म, द वंडरफुल सी, अ सीनियर तस्मानिया। पेज नंबर 54 हो गया। अब चलते हैं प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वैसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के बदले करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि
सम अदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन आई ही सी इट वी दे योर हर्ड अस यू एंड सो ऑन। हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव अधिकार वाला पर्सनल व्यक्तिगत हो जाएगा, रिलेटिव संबंध वाला रिफ्लेक्सिव यानी जो दर्शाएगा। अब चलते हैं, एक नंबर आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज फॉर पीपुल प्लेस थिंग्स एंड आइडिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड द वर्ब ऑफ व्हाट। सब्जेक्ट प्रोनाउन आर सेड टू बी द नोमिनेटिव केस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा? डिमोनेटिव केस हो जाएगा, केस यानी कारक हो जाएगा। अब पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन फॉर थिंग्स इट दे देम। पर्सनल प्रोनाउन फॉर पीपुल के लिए आई वी यू ही सी इट दे, यानी कि जिसे पर्सन का बोध होता हो, आई यू ही सी इट, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे सी, इसमें सी हो जाएगा। दो नंबर मी, थर्ड नंबर यू और देम, आई कैन, यू एट द डोर, वी वेंट। सेवन नंबर मी वर्क टूगेदर, ही पर्सनल हो जाएगा, ही और आई हो जाएगा। नाइन नंबर इट हो जाएगा। टेन नंबर हिम और मी हो जाएगा। पोसेसिव यानी अधिकार दर्शाने वाला पर्सनल, यानी व्यक्ति, आई यू वी ही सी इट पर्सनल हो जाएगा। पोसेसिव अधिकार हो जाएगा माइन योर हर्स, यानी कि माई फ्रेंड, हर ट्वाइस, ऑल द ट्वाइस आर हर, द डॉग इज स्लीपिंग इन इट्स कैनाल, ऑल दीज न्यू पेंसिल्स आर दियर, ब्लैक बैग इज हिज मदर, यानी कि इसमें हो जाएगा योर हाउस एंड आई विल गो टू माई हाउस। डिड योर फ्रेंड सी एट माई पीस, दिस शॉप बिलोंग टू अस, इट इज आवर्स, द रेड पर्स इज क्या हो जाएगा हर। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध दर्शाने वाला, रिलेटिव प्रोनाउन किसी चीज़ का रिलेशन होगा, यानी कि दिस डैट दिस दोज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन द मैन हु, दिस इज द बॉय हुम, यानी रजनी इज द गर्ल हुम, जिसका, हु कौन, हुम किसका। द एंसर विच, आई सी विच, दिस इज द हॉर्स डैट, दिस इज द बेगर डैट, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन हु, सी इज द गर्ल हुज कैमरा आई हैव, देयर आर द डॉग्स डैट बाइट चिल्ड्रेन, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन हु एवर लिव्ड, सी इज द गर्ल हुज कैमरा आई हैव। रिफ्लेक्सिव यानी कि इसमें क्या होगा, ये सब्जेक्ट को ही प्रभावित करेगा, जैसे माई सेल्फ, इसमें सेल्फ लगा रहा था, माई सेल्फ, हर सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड, यानी कि इसका इस्तेमाल तब होता है जब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिएक्ट बैक अपॉन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो काम करेगा और वापस सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालेगा। गरिमा कैन बाथ हर सेल्फ, सेकेंड हिम सेल्फ, थर्ड आवर सेल्फ, फोर योर सेल्फ, फाइव हर सेल्फ, सिक्स माई सेल्फ, सेवन हिम सेल्फ, एट हर सेल्फ, नाइन देम सेल्फ, टेन हिम सेल्फ। इसमें आई और मी लगाकर फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ये हमारा पेज नंबर 59 का है। एक नंबर आई एम, टोल्ड मी, आई थिंक, आई शो, ए कार्ड फॉर मी, टू लेंड मी, आई विश me, where, principal, when I see the principal, I say good morning ma'am, I asked my mother to teach me how to cook, tells me stories, I feel very happy। चलते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण, यानी कि जो शब्द किसी की विशेषता बतलाता हो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे स्वीट हनी, ब्राइट सन, ग्लोइंग मून, ये हमारा क्या है, मून की विशेषता, यानी कि जो शब्द किसी चीज़ की विशेषता बतलाएगा वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे रूम, डर्टी रूम, जो एडजेक्टिव है उसको सर्कल मार देना है। जैसे रूम का विशेषता डर्टी है, बिल्डिंग का विशेषता ओल्ड हो जाएगा, स्टार का बिल्डिंग हो जाएगा, सॉन्ग का मेलेडियस हो जाएगा, इसमें फेवरेट हो जाएगा एडजेक्टिव, ड्रेस का एडजेक्टिव पर्पल,
इसमें नोटी हो जाएगा, टॉय का फरी हो जाएगा, गर्ल्स फनी हो जाएगा, इवनिंग कैसा है तो चिली है, जर्नी कैसा है तो कंफर्टेबल है, यानी कि जो अंडरलाइन किए हैं वो हमारा एडजेक्टिव है। अब चलते हैं, जो भी एडजेक्टिव है उसको क्या करना है, सर्कल मार देना है। क्रॉक्ड नोज, इंटरेस्टिंग, बुक, यानी कि क्या है, सर्कल द नाउन और प्रोनाउन द डिस्क्राइब, यानी कि ये जो हाईलाइटेड है वो हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और इसमें जो भी हमारा नाउन प्रोनाउन है उसमें आपको क्या करना है, सर्कल मार देना है। जैसे इंटरेस्टिंग बुक हो जाएगा, क्रॉक्ड नोज, हार्ड वर्किंग पीपुल, फर्स्ट डे, न्यू वॉशिंग मशीन हो जाएगा इसको, स्टूपिड हंडर, स्कूल बिल्डिंग क्या हो जाएगा, बिग एंड प्रोमिनेंट, शाना क्या है, ट्राइड, काइंड लेडी, काइंड ब्रेव किंग, इसमें मैच करना है। आप ध्यान से देखिए, पहला का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रोड, डेंजरस रोड, हैप्पी शार्क, थर्ड नंबर एक्साइटिंग मैच, फोर नंबर फेवरेट ड्रेस, फाइव नंबर, सिक्स नंबर यहाँ हो जाएगा, नहीं आप लोग जी नंबर हो जाएगा, इसको आप लोग पॉज करें और इसको मिला लें। अब चलते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव दिया है, इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोगों को चेंज मार देना है। तो देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और इसे ध्यान से देखें। अब आगे चलते हैं, एडजेक्टिव यानी डिग्री ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि तुलना करता है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लार्ज, लार्जेस्ट। आप चलते हैं, कुछ ऐसा है जिसमें ईआर लगाएंगे, यानी कि पॉजिटिव में कुछ नहीं, कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी लगा देना है। जैसे कि तीन हमारा इरेगुलर चार है, इसमें क्या है, इसमें दूसरा ना ईआर लगेगा ना ईएसटी लगेगा, यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मच मोर, मोस्ट, ये हमारा ये चार है, इसमें कुछ दूसरा ही कहानी है, गुड, बैड, लिटिल, मच, इरेगुलर, इसमें कुछ दूसरा होगा। उसके बाद जो जिसको हम लोग एक सांस में नहीं बोल, जिस जो शब्द जिसको हम लोग तोड़ कर बोलते हैं उसमें मोर और मोस्ट लगता है, जैसे सर, टेन, फेमस, इसको तोड़ कर बोल रहा है इसमें मोर और मोस्ट लगेगा। अब चलते हैं, ई नंबर, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यानी ये हमारा पेज 64 है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सिंसियर, मोर सिंसियर, मोस्ट सिंसियर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, फ्रीगल, मोर फ्रीगल, मोस्ट फ्रीगल, गुड, बेटर, बेस्ट। अब चलते हैं, डिटरमिनर्स, यानी कि डिटरमिनर्स क्या है, ये नाउन को क्या करते हैं, सीमित कर देते हैं, यानी कि नाउन को एक बंधन में बांध देते हैं, यानी कि डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव डैट क्वांटिफाई, नापता है, और आइडेंटिफाई द नाउन डैट फॉलो, दे आर कॉल्ड डिटरमिनर्स, दे टेल अस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेशल और इज समथिंग जनरल, गिव मी वन ऑफ दोज एप्पल्स, ये हमारा डिटरमिनर्स है, यानी कि एप्पल है, एप्पल्स के आगे आकर एप्पल को क्या किया है, इसको लिमिट में ला दिया है, दिस क्वाइन, सम एप्पल, एनी क्वाइन। अब चलते हैं, इसका भरने वाला डिटरमिनर, राइट, यस और नो, यानी कि आर द अंडरलाइन वर्ड डिटरमिनर्स, जिसमें डिटरमिनर्स होगा अंडरलाइन, देखो ये है अ वुमन, ये डिटरमिनर्स है, द बनियान नहीं है, एनी नहीं है डिटरमिनर्स, इनफ नहीं है, द कैट एट द विजिट नहीं है, दिस इज, यानी कि ये है हमारा डिटरमिनर, सम मिल्क, ये है डिटरमिनर, दियर ट्रेन, ये है, यानी कि जो डिटरमिनर है उसमें जहाँ पर एन है और ये जहाँ खाली स्थान है वो नहीं है, और जो इसमें तीन है वो हमारा डिटरमिनर, यानी पाँच छः सात डिटरमिनर्स है और एक दो तीन चार नहीं है, आठ नंबर है, नौ नंबर है, दस नंबर है, द कंपास इज हर, यानी कि कंपास को क्या कर दिया है, लिमिट में ला दिया है, द कंपास इज हर, यानी कि ये डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स क्या है, डिटरमिनर्स आर नाउन मेकर, यानी कि वो नाउन को बताते हैं डिटरमिनर्स। अब चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटरमिनर्स, आई गिव अ पेंसिल, एनी वाटर, सेवरल पीपुल, एन इंटरेस्टिंग प्लेस, मिनी बर्ड, सम सॉल्ट, मोर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्या किया, मोर लगाकर उसको
किया है, उसके लिमिट को क्रॉस कर दिया है। सम साल्ट मोर प्रॉब्लम एनी लेटर एनी गुड द गैलरी सम पॉकेट इनफ टाइम सेवरल टोमेटो फ्यू फ्रेंड्स फ्यू वर्ड्स लिटिल मनी सेवरल पीपुल मच टाइम लेस पर्सन नो पेरेंट्स दिस टाइम्स, यानी कि हमारा डिटर्मिनर्स है। अब चलते हैं रिविजन टेस्ट टू। ए एंड द लगाना, ए एक के लिए एंड भोवेल द स्पेशल। फर्स्ट नंबर ए द लगेगा द फ्लाइट एंड आवर एंड एक द ग्लास ऑफ जूस द म्यूजिक टीचर द न्यू पेयर ऑफ शूज एंड एन अम्ब्रेला अ मैंगो द किंग द बंडल ऑफ स्टिक ऑफिस द डर्टी डिश द डाइनिंग टेबल द बनियान ट्री अ वीक। अब चलते हैं प्रोनाउन, इसमें जो सुटेबल है उसको दोबारा टिक मारना है और लिख डालना है। आई लाइक आइसक्रीम सो माई मदर बॉट मी वन द बुक बिलोंग्स टू राजा द बुक इज हिज द गुप्ताज आर काइंड पीपुल दे लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर आई गेव द कैमरा अवे इट इज नो लॉन्गर माइन अनुज एंड निक एक्सपोर्ट क्लॉथ्स इट इज देयर फैमिली बिजनेस द टीचर प्रेस्ट राहुल एंड मी फॉर वर्किंग हार्ड द कंपनी ऑफर तानिया एंड मी जॉब इन द सेल्स डिपार्टमेंट आई वॉज सो कॉल्ड डैट ऑल आई कुड थिंक अबाउट अ कप ऑफ कॉफ हॉट कप ऑफ कॉफी। नाइन नंबर यहाँ द फेरी गॉड मदर चेंज्ड हर इंटू अ प्रिंसेस वेन एवर आई ट्राइड अ गुड बुक आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, यानी कि जब मैं गुड बुक को रीड करता हूँ तो राइटर बनने का मन करता है। इसमें एडजेक्टिव बोर्ड स्पीकर डिसअपॉइंटिंग एक्साइटिंग अबाउट द न्यूज़ जनवरी इज द बिजिएस्ट मंथ क्या है ऑन हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल प्राउडर देन हिम मोस्ट इंटरेस्टिंग काल्म इफेक्ट, यानी कि आई फील रिलैक्सिंग स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। आप चलते हैं डिटर्मिनर्स, यानी निर्धारक है, यानी कि ये नाउन के आगे लगते हैं और नाउन को क्या करते हैं उसके पावर को थोड़ा सीमित कर देते हैं, तो वो हमारा डिटर्मिनर्स हो जाते हैं। यानी कि आई हैव ईच पॉकेट मनी लेफ्ट इनफ टाइम टू कम्प्लीट मेनी टोमेटोज अ फ्यू फ्रेंड लिटिल टाइम लेफ्ट बोथ द पेरेंट्स नो ट्रैफिक मेनी पीपुल मोर एप्पल्स, ये हमारा डिटर्मिनर्स हो जाएगा। रिविजन टेस्ट टू पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं एडवर्ब, यानी कि जो ये वर्ब को बताता है कि वर्ब किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि इसमें सिंपली हम लोग लास्ट में एल वाई लगा देते हैं लेकिन ये कहीं कहीं नहीं लगता है। जैसे टॉक जो वर्ब है उसको सर्कल जो एडवर्ब है अंडरलाइन टॉक किस प्रकार टॉक स्लोली वॉक किस प्रकार क्विकली, तो आप लोग देख सकते हैं। हेल्प ऑलवेज कम हेयर इसको आप लोग क्या कर सकते हैं वीडियो को पॉज करें और इसको आप लोग लिख डालें। आगे चलते हैं, ठीक वैसा ही है एडजेक्टिव एडजेक्टिव को सर्कल और एडवर्ब को अंडरलाइन न्यू हमारा एडजेक्टिव और क्वाइट हमारा एडवर्ब हॉट क्या है जाएगा एडजेक्टिव और टू यानी कि टू हमारा एडवर्ब हॉट ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा इंटरेस्टिंग ये हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब बुक इंटरेस्टिंग ये हमारा बुक की विशेषता इंटरेस्टिंग और हमारा एडवर्ब वर्ब किस प्रकार काम कर रहा है तो वास्तव में रियली। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करें और इसको देखें। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि सो यू वेयर समथिंग्स हैपन एडवर्ब ऑफ प्लेस से हमें यह पता चलता है कि किस स्थान पर क्या चीज घटित हुआ है, जैसे कि प्लेस आउटसाइड इनसाइड एवरीवेयर अपस्टेयर विद इन अवे आउट इन हेयर देयर ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। अब चलते हैं चूज सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस जनवरी जिमी एंड जिमी हैज गॉन समवेयर वी वन ऑफ एन विनीता इमीडिएटली मीरा गोज टू द टेम्पल सम टाइम
प्लीज स्पीक क्लियरली, द बॉय फेल डाउन रनिंग फास्ट। ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, रनिंग किस प्रकार तो फास्ट। लाफ्ड लाउडली, वर्क नीटली। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम से हमें ये पता चलता है कि किस टाइम पर क्या हुआ, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम शो यू व्हेन समथिंग हैपन, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम से हमें यह पता चलता है कि किस समय पर क्या हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम शोज यू व्हेन समथिंग्स हैपन, यानी कि सम एग्जांपल्स आर सून, लेटर, टुडे, टुमारो, ऑफन, सेल्डन, नेवर, नाउ, देन एंड ऑलरेडी, ऑल्थो, वी डू नॉट मीट वेरी ऑफन, वी मस्ट लीव इमीडिएटली, द ग्रैंड मदर रेयरली विजिट टू अस बट शी ऑलवेज रिमेंबर आवर बर्थडे, वी रिसेंटली, द गेस्ट विल अराइव सून, अदर आर कमिंग टू नाइट, गुड चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, नेवर टेल अस लाई, नाइन्थ नंबर फाइनली, टेन नंबर अर्ली। अब आगे चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर यानी कि कोई वर्ब किस मैनर यानी कि किस लहजे से हो रहा है। तो यानी कि रस्सी बच्चे कूद रहे हैं तो कैसे कूद रहे हैं, तो खुशी से कूद रहे हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें यह पता चलता है कि एडवर्ब किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर शो यू हाउ सम थिंग्स हैपन, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर शो यू हाउ समथिंग, एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें यह पता चलता है कि कुछ चीज यानी कि कैसे हो रहा है। एक नंबर मेरली, दो नंबर रफली, थर्ड नंबर जेंटली, फोर्थ नंबर क्वाइटली, फाइव नंबर पोलाइटली, सिक्स नंबर पेशेंटली, सेवन नंबर एंग्जिक्सली यानी बेचैनी से, एट नंबर ब्रेवली, नाइन नंबर करेक्टली, टेन नंबर रेगुलरली। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब किस प्रकार बनता है, यानी कि लास्ट में एलवाई लगा कर बनता है। जैसे कुछ एडवर्ब एडजेक्टिव ये दिया है, इसको एलवाई लगा कर एडवर्ब बना देना है। तो आप लोग देख सकते हैं क्लेवर का क्लेवरली, क्लियर क्लियरली, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस, क्रॉस क्रॉसेस, हैप्पी हैप्पली, ब्रेव ब्रेवली, शो स्लो स्लोली, डिलाइटफुल डिलाइटफुली, होपलेस होपलेसली, थिक थिकली, एंग्री एंगरली, पेशेंट पेशेंटली, ड्रीमी ड्रीमली, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टली, क्विक क्विकली, शाई शाइली, क्वाइट क्वाइटली, हैवी हैवली, एक्सेलेंट एक्सेलेंटली, लाउड लाउडली। ये पेज नंबर 75 हो गया। अब चलते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, जो संबंध को दर्शाता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और उसका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ देगा। अब चलते हैं, देखिए प्रीपोजिशंस आर वर्ड दैट शो द पोजिशन ऑफ समथिंग, यानी पोजिशन क्या है, एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु की पोजिशन को क्या करता है, शो करता है, दर्शाता है। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाई ग्राहम बेल, ब्रेड इज मेड आयरन वीट, द ब्रेड इज मेड फ्रॉम आयरन, फ्रॉम वीट हो जाएगा, इसमें टू आर्ट्स हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फोर नंबर में बाई हो जाएगा। I have told the truth to you, six number with, seven number between, eight number beside, nine number besides, ten number I go to school at हो जाएगा 7 o'clock। अब चलते हैं fill in the blanks वाला preposition, तो हमारा एक नंबर में ये रहेगा, the boy must apologize to the lady and on flower out of her sun, on the table in the drawer from mine of the window under the bridge about your friend with everyone। अब चलते हैं conjunction, conjunction are joining word, it joins two word or sentences, conjunction are word used to join words, group of words or sentences। Sonu has a bicycle and a स्केटबोर्ड, यानी कि सोनू के पास क्या है, बाइसाइकिल है और क्या है, स्केटबोर्ड भी है। दो नंबर बिकॉज, तीन नंबर थाउ, फोर नंबर बट, फाइव नंबर और, सिक्स नंबर अनटिल, सेवन नंबर बिकॉज, एट नंबर एस, नाइन नंबर देयरफॉर और टेन नंबर इफ, इफ यू डू नॉट फिनिश योर होमवर्क टुडे
यू विल हैव टू मिस द पिकनिक टूमोरो। अब चलते हैं कंजक्शन, यानी कि ये जो ब्रैकेट है इसको क्या करना है, ये जो दो सेंटेंस है इसके बीच रख देना है। माई मदर इज वेरी लविंग एंड स्वीट। दो नंबर, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वी लॉस्ट द मैच बिकॉज वी डिड नॉट प्ले वेल। देयर वॉज हैवी स्नोफॉल सो मार्केट इज क्लोज टूडे। क्लोज टूडे। आई हैव हाई फीवर देयर फोर आई विल नॉट गो टू स्कूल टूडे। शी वॉन्टेड अ ग्लास ऑफ वाटर एज शी वॉज थर्स्टी। वी कुड नॉट प्ले सिंस रेनिंग। देख सकते हैं इसको। अब आगे चलते हैं रिवीजन टेस्ट 3। जो एडवर्ब है उसको टिक मारना है। एक नंबर एवरीवेयर, दो नंबर वाले एक का पहला एवरीवेयर, दूसरा एनीवेयर। समीर हेल्ड अप हिज ट्रॉफी प्राउडली। थर्ड नंबर टुमारो। फोर नंबर हैप्पली। फाइव नंबर ऑलवेज। सिक्स नंबर आई ऑफ एन प्रायर। स्कूल मैगजीन इज पब्लिश्ड एनुअली। एट नंबर क्वाइटली। नाइन नंबर ऑलवेज। टेन नंबर फ्लुएंटली। अब सर्कल द वर्ब एंड अंडरलाइन द एडवर्ब। वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब जो बताता है क्रिया किस प्रकार होता है। सिंग स्वीटली, शाइनिंग ब्राइटली, टॉक फास्ट, साइटेड, सिंग लाउडली, ड्रॉप रिशली, बिहेव पोलाइटली, वॉक्ड स्किलफुली, पेंट सरप्राइजली, रन फास्टर, एंसर्ड वेल। फिर इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन, यानी अंडर नीचे, इनटू किसी चीज़ के अंदर, किसी स्थान के अंदर, इनटू पहला अंडर, दूसरा इनटू, तीसरा फ्रॉम, सिमी सेट बिटवीन, ललिता हैज गॉन टू द कॉर्नर, उसके बाद बाय इन, एट नंबर इन, नाइन नंबर इन, टेन नंबर, मीनू विल लीव फ्रॉम मुंबई इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब चलते हैं जो कंजक्शन है उसमें लगा देना है। ग्रैंडपा हैज गॉन टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैज फीवर। दो नंबर वेन। थर्ड नंबर और। फोर्थ नंबर ऑल थाउ। हालांकि ही वॉज यंग ही सैंग ब्यूटिफुली। राजीव ग्रोन वेरी टॉल सिंस आई लास्ट सॉ हिम। यानी यू लुक एस यू हैव सीन अ घोस्ट। निखिल इज लर्निंग फ्रेंच बिकॉज ही वॉन्ट टू गो टू फ्रांस। एट नंबर इफ। नाइन नंबर बट। टेन नंबर अनटिल। अब चलते हैं एक्टिव वॉइस, यानी कि जो नॉर्मल वॉइस होता है एक्टिव वॉइस, और जो हमारा पैसिव वॉइस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा घुमा कर बोलते हैं। चलिए पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, वर्ब से पहले बी लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब से पहले बी लगाएंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। द पेंट वेसेस, वेसेस आर पेंटेड बाय दे का देम हो जाएगा। आई वॉज प्लांटिंग अ वेस, आई मीन भले आई वॉज पेंटिंग अ वेस, ए वेस वॉज बींग पेंटेड बाय मी। अब पहचान करना है कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है। पेज नंबर 84। द इलेक्शन ऑन द इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड एवरी फाइव ईयर, एक्टिव। दो नंबर CBI विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, एक्टिव। उसके बाद थर्ड नंबर पैसिव, फोर्थ नंबर एक्टिव हो जाएगा। जो इसमें सही है, जो एक्टिव वॉइस है उसमें क्या करना है, टिक मारना, यानी कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू डायरेक्ट, टिक द करेक्ट, यानी कि जो सही है उसमें टिक मारना है और जो सही नहीं है, ऑप्शन दिया है उसको हम लोग चेंज मार देना है। दे आर रीडिंग एडवेंचरस स्टोरी, यानी कि ये तो हमारा एक्टिव हो जाएगा वॉइस। एडवेंचरस स्टोरीज बींग रीड बाई देम, पैसिव वॉइस। सी इज सॉल्विंग अ पजल, एक्टिव वॉइस। ए पजल इज बींग सॉल्व बाई हर। वी सेव्ड मेनी पीपुल, एक्टिव वॉइस। मेनी पीपुल वे आर सेव्ड बाई अस, पैसिव वॉइस। अब चलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो डायरेक्ट बोलता है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये वाला नहीं होता है, डबल ब्रैकेट वाला। विनोद सेड रमन हैज गॉन आउट, ये तो हो जाएगा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट विनोद सेड डैट, यानी कि इसको सेड के बाद डैट लगा देंगे, हैज का हैड लगा देंगे,
बस उसके बाद सेम टू सेम रहेगा। देखते हैं कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हर देयर नाउ देन शी हर। अब ये नंबर हम पढ़ते हैं, आप लोग उसको लिख डालिए। पेज नंबर 88 का है। मदुरई, माधुरी सेड टू पुनीत, आई विल गिव यू द न्यू इंसाइक्लोपीडिया। माधुरी टोल्ड पुनीत दैट शी वुड गिव हिम द न्यू साइक्लोपीडिया। अमन टोल्ड द पुलिसमैन दैट शी दैट दैट ही वुड गिव हिम अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द थेप। यानी कि यहाँ पर सी के जगह पर ही होगा, अमन लड़का है इसलिए ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। आई आस्क्ड किया वेयर शी वॉज गोइंग सो लेट इन द इवनिंग। माई कजिन आस्क्ड मी इफ वी कुड गो फॉर डिनर इन द इवनिंग। आई नेवर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा वहाँ लगा देना है। साजिया सेड डैट मीना वॉज बेकिंग अ चॉकलेट केक। साजिया सेड डैट मीना वॉज बेकिंग अ चॉकलेट केक। समर्थ सेड डैट रीना वॉज अनवेल। निधि सेड डैट सोहन वॉज राइटिंग अ लेटर। जॉनी सेड डैट टॉम एट ओनली अ पीस ऑफ केक ऑन माई बर्थडे। जसवीर Told that Sagar talking on the phone, यानी कि talking ing में told हो जाएगा। Vinith told Raman that your shift, यानी कि Vinith said, यानी कि Vinith told Raman that you shift to your new flat। स्पेलिंग है, स्पेलिंग को क्या करना है, सिंगुलर है प्लूरल, बेरी बेरीज, स्टोरी स्टोरीज, हाफ हाफ, नाइफ नाइफ, स्कार्फ स्कार्फ, इसको आप लोग पार्टी पार्टीज, टोमेटो टोमेटो, थिप थिप, क्विज क्विज। जो रॉन्ग है क्या करना है उसको अंडरलाइन करके, जैसे डिक्लेयर्ड फ्रेंड, ये क्या है रॉन्ग है। डेस्क ये क्या है, ये रॉन्ग है। डेक इसमें रॉन्ग ड्राइंग है। इसके बाद इसमें फ्रिस्ट है, इसमें फ्लाइट है, इसमें ब्लीफ, इसमें प्लीस्ट, इसमें आई ई हो जाएगा, इसमें टायर्ड हो जाएगा। अब चलते हैं इसका सी नंबर, जो मिसिंग लेटर है उसमें भर देना। बाउंड्री सेंचुरी एम्परर सराउंडिंग इनकाउंटरिंग पढ़ाहो पिरामिड प्रोफेसर पिलग्रिम इमीडिएटली बिगिनिंग। यानी कि ये क्या है, जो भी मिस स्पेल यानी कि जो माने वर्ड है बीच में इसका दो तीन स्पेलिंग मिस है उसको भरना है। आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसको भर डालें। अब चलते हैं इन सर्कल रॉन्ग स्पेल, जो रॉन्ग है सर्कल मार्कर राइट। डायलॉग डी आई एल ओ यू जी एच ओपा क्यू माउंटेनियस पैरलर हैप्पीएस्ट। थर्टींथ स्ट्रेट कन्फ्यूजन ऑमलेट, इसमें इट क्यूरर ए डी ई यू ए टी ई हो जाएगा। इसमें ए बुक कंटेन मीनिंग ऑफ वर्ड डिक्शनरी थाउजेंड ईयर मिलेनियम इन्वेस्टिगेशन एग्जाम हॉल बोल एंड रिक्सी एक्सपीरियंस एडवेंचर एक्सचेंज यानी बदल देना इंटीरियर इन्वेंशन खोज फनी हिलेरियस डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि प्रिजर्वेशन यानी किसी चीज़ को कुछ समय के लिए संरक्षित करना प्रिजर्वेशन। डैट विच कैन नॉट बी सीन जो दिखाई ना दे इनविजिबल। अब वर्ड पावर चलते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए वर्ड पावर। साइनिम्स यानी मिलता जुलता यानी पर्यायवाची। एंटोनिम्स यानी ठीक उसका उल्टा जैसे एक्सेप्ट रिजेक्ट हाइड सीक देख सकते हैं आप। चलते हैं
प्रीफिक्स यानी कि जो शब्द किसी वर्ड के पहले लगते हैं और उस शब्द के अर्थ को चेंज कर देते हैं प्रीफिक्स। जैसे ई लगाकर हो जाएगा स्लिप सोना और स्लिप उठना, वेक जगना, अवेक सोना, ये इसका मतलब ही चेंज कर देना है। साइकिल में बाई लगा देंगे तो बाई साइकिल हो जाएगा। अब सुफिक्स यानी बाद में, कोई भी वर्ड है उसके बाद में वर्ड लगेगा तो चेंज हो जाए। जैसे ए जी ए मैड, मैरी में ए जी ए, हैप्पी हैप्पीनेस देख सकते हैं। अब चलते हैं क्रिएचर साउंड एंड मोशन, जानवर का साउंड और इसका मोशन। हाँ ये मेन है, साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि टेबल, यानी कि बेबल ऑफ स्ट्रीम तो वाटर नॉइस, ब्लेयर ऑफ ट्रम्पेट तो यानी कि ट्रम्पेटेड लाउड साउंड, कॉल ऑफ बगल शॉर्ट ट्यून, क्लंग ऑफ इंजिन एक्सप्लोशन, क्लैंग ऑफ बेल मेटालिक साउंड, क्लिंक ऑफ कॉइन साउंड यानी कि हीटिंग ईच अदर। इसको आप लोग पॉज करें और इसको नोट कर डालें, बस यहीं तक है। आगे चलते हैं हाई नेम्स यानी कि ऐसा शब्द जिसका क्या हो रहता है, ए वर्ड हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसका एक से ज्यादा मतलब मीनिंग रहता है वो हमारा हाइन होमोग्राफ होता है, यानी कि होमोग्राफ जिसका एक से ज्यादा मीनिंग होता है। जैसे बैट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और बैट मतलब चमगादड़ होता है। अब चलते हैं पंचुएशन एंड कैपिटल मार्क यानी कि विराम चिन्ह और कैपिटल लेटर, यानी कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल सेंटेंस के एंड में, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट के एंड में, एक्सक्लामेशन यानी कि सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए एक्सक्लामेशन, कॉमा का इस्तेमाल, मान लीजिए कि कोई शब्द के बीच में थोड़ा सा क्या करना है रुकना है तो हम लोग कॉमा का इस्तेमाल कर लेंगे, एपोस्ट्रॉफी मतलब अधिकार दर्शाने के लिए, यानी कि कोई लेटर है क्या करेंगे उसके पहले इस लगा देंगे तो वो उसका हो जाएगा। अब चलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क कहते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा आर कॉल्ड कोटेशन मार्क, आर यूज टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए स्पीकर। अब चलते हैं कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर, कैपिटल लेटर क्या हो जाएगा, किसी के भी नाम में कैपिटल लेटर यानी प्रॉपर नाउन में हमारा कैपिटल लेटर हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा और लास्ट का वर्ड यानी कि जो भी लास्ट में हमारा फुल स्टॉप होगा और जो भी क्या कहना हो हमें कहना हो उसमें क्या करेंगे कोटेशन मार्क के अंदर अपना स्टेटमेंट लिख डालेंगे, यानी कि कोटेशन मार्क का इस्तेमाल हम लोग स्टेटमेंट लिखने के लिए कहते हैं करते हैं। माई फ्रेंड अनीता एंड आई आर डूइंग आवर होमवर्क, यानी कि इसको आप लोग एट फर्स्ट इसको पॉज करें और इसको लिख डालें, देख सकते हैं वीडियो को रोके और लिखना स्टार्ट करें। इसे प्लीज क्लोज द डोर, इसमें प्लीज बड़ा होगा, इसमें क्या होगा कॉमा होगा, क्लोज द डोर हो जाएगा। वोकैबुलरी यानी शब्द पावर। अब चलते हैं कंपोजिशन यानी वाक्य रचना, यानी कि इसको क्या करना है, इसमें क्रेप्ट क्या क्या का इससे सेंटेंस बना देना है। क्रेप्ट लिजार्ड क्रेप्ट टुवर्ड्स मी, अनाउंस जज अनाउंस द विनर नेम, आई अटेम्प्ट टू रॉबरी इन अ बैंक, ही स्नोर टू मच, ही इल्ड लाइक चिल्ड्रेन, ही डिस्ग्यूस लाइक अ जोकर, मोहन्स बैग इज टू हैवी रिमूव्ड, आई रिमूव्ड माई एंटीवायरस, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन इज वेरी नॉटी, एनर्जी सन गिव्स अस एनर्जी। अब चलते हैं इसमें इमेजिनेशन यानी कि काल्पनिक लगाकर सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस को बनाना है। द ओल्ड वॉल क्लॉक वॉज हैंग्ड ऑन द वॉल, लेट वन डार्क नाइट दे सॉ अ डेविल, अ फैट अर्थ वर्म क्रीप थ्रू द विंडो, मानसी प्रिया एंड समीरा क्लाइम्ड ऑन द वॉल, चिल्ड्रेन वेयर रनिंग टुवर्ड्स द एरी फील्ड, वंस अपॉन ए टाइम ए किंग रूल्ड द पाटलिपुत्रा, वन डे द जैकाल मेड अ कनिंग फॉक्स, द मंकी वॉज हैप्पी बिकॉज ही शूट अ मैन। इसको क्या है इमेजिन से लिखना है यानी कि कल्पना से करना है। ए मैन बॉट 1 kg डायमंड, वी सॉ डॉग चेसिंग अ कैट टुवर्ड द स्लम एरिया। अब चलते हैं पैराग्राफ राइटिंग, इसमें देख सकते हैं इसमें 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 9,
ये दिया है उल्टा पुल्टा, इसको सुधार करके लिख डालना है माई ग्रैंड मदर पर। तो फर्स्ट में लिखिएगा आप लोग, माई ग्रैंड मदर इज 75 ईयर्स ओल्ड, शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन प्रेयर्स, शी वॉज शी हैज रिंकल्स ऑन हर फेस सम टाइम, शी वर्क्स विथ द हेल्प ऑफ स्टिक, शी नेवर गेट एंग्री, शी इज वेरी हैप्पी वैन सम वन इन द फैमिली अचीव सम थिंग्स, शी वॉज ग्रे यानी कि शी हैज ग्रे हेयर, शी गाइडेड अस इन क्या हो जाएगा ऑल मैटर, शी इज फुल ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ग्रैंड मदर। अब वैसे ही ठीक एलिफेंट पर लिखना है, इसको क्या करें वीडियो को पॉज करें, इस नंबर को नोट कर ले और ये जो खाली स्थान दिया है यहाँ पर आप लोग लिख डालें। अब चलते हैं पिक्चर कंपोजिशन, यानी कि पिक्चर को देखना है और इसके विषय में यहाँ पर लिख डालना है। तो आप लोग पिक्चर को देखते रहिए, वीडियो को पॉज करिए यहाँ पर और इसको आप लोग सीधा तौर पर लिख डालिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ये भी मॉल है, शॉपिंग मॉल है, इसको भी पॉज कर दिए, पॉज कर दीजिए और इसको लिख डालिए। ये है स्पोर्ट्स डे, अब चलते हैं स्टोरी राइटिंग की ओर, कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग यानी कहानी लेखन, इसको आप लोग पढ़ डालिएगा और इसको आप लिख डालिएगा, देखते हैं क्या है। तो यानी कि अंतरा सडनली वोक अप लेट एट नाइट, इट वॉज मिड नाइट एंड टाइम वॉज 1 AM इन द नाइट, सी हियर सम स्क्रीचिंग यानी स्क्रीमिंग साउंड, सी क्वाइट पिप्ड आउट अ टॉर्च लाइट, सी टॉर्च लाइट इन नाइबर्स हाउस, सी न्यू दैट नाइबर हैड गॉन टू गोवा ऑन ए हॉलीडे, सी सॉ शैडो ऑफ ट्रू मैन ऑन द क्लोज्ड विंडो, सी फ्राइटेंड एंड क्या हो जाएगा टिपॉट टू हर फादर, यानी कि वो इतनी भाई वो अपने पिता के पास गई बेडरूम्स, सी वॉक देम अप एंड दे ऑल्सो सॉ द शैडो, दे कॉल्ड अप द पुलिस विद इन मिनट द पुलिस अराइव्ड एंड थेप अरेस्टेड, एवरी वन प्रेस्ड अंतरास ब्रेवरी, शी हैड एक्टेड यानी शी शोन प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि शी एक्टेड फास्ट, शी शो प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक वैसे ही है, एक दोस्त उदास है, दूसरा दोस्त कुत्ता दिया वो उसके साथ खेल रहा है, तो देख सकते हैं ये वाला, सोहन इज लोनली बॉय, नोबडी वांट टू प्ले विथ हस प्ले विथ सोहन, हिज पेरेंट्स हैड गोन आउट टू वर्क एज यूजुअल, हिज फ्रेंड मोहन कम एंड गिव हिम अ पपी, दे हैड इन टू स्टेशन टू मीट, यानी कि दे हैड गोन टू स्टेशन टू मीट हिज ग्रैंडपा द बॉय, क्या हो जाएगा टेक केयर ऑफ पपी एंड बिकम फ्रेंड, सोहन प्लेड विथ पपी एंड वेंट जॉगिंग टूगेदर, मोहन हेल्प्ड क्या हो जाएगा हिज लोनली फ्रेंड टू फाइंड जॉय, दिस स्टोरी टेल्स अस क्या हो जाएगा ट्रू फ्रेंड्स मेक अस स्माइल। अब लेटर राइटिंग, लेटर दो प्रकार के होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर बिजनेस एजुकेशन, इनफॉर्मल फ्रेंड्स एंड फैमिली, इसका फॉर्मेट हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा सॉल्यूशन हो सॉल्यूशन हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि हेडिंग में जो होगा अभिवादन, सब्जेक्ट किस विषय में आपका लेटर है और फाइनली सब्सक्रिप्शन इसमें क्या लिखा गया है, उसके बाद एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद डेट वगैरह आप लोगों को पता है। इनफॉर्मल लेटर अपने क्या करना है, पता लिख डालना है अपने दोस्त का और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना है जो भी रहे, लास्ट में अपना नाम लिख डालना है। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, स्कूल में पढ़ाया गया ही होगा, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं दोनों के विषय में एक सेपरेट वीडियो बना डालूंगा। तो अब आगे चलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इसको पैराग्राफ को पढ़ना है और इसको आंसर डाल देना है, चैप्टर 16 है पेज नंबर 113, यानी कि डकविल्स इज अ मैमल, डकविल इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, अब आंसर व्हाट मेक द डकविल यूनिक, इट इज मैमल एंड लेज एग्स, यानी कि मैमल है और अंडा देता है यही इसको यूनिक बनाता है, इट इज फाउंड ओनली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, वेयर डज इट्स होम एंड व्हेन डज इट कम आउट, यानी कि इट होम इन क्या हो जाएगा बोरो ऑन द बैंक ऑफ व्हाइट प्लेसेस, इन नाइट इट कम आउट फॉर देयर फूड,
यानी कि सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड, लीस्ट, मोस्ट, शॉर्ट, टॉल, अनलाइक, लाइक हो जाएगा। इसमें जो भरा है, भरना है चारों, आप लोग देख सकते हैं, डकविल से रिलेटेड सुटेबल वर्ड, पिकुलर, वेब्ड फीट, कोरस, बोरो। ये क्या है? स्टाम्प है, यानी कि डाक टिकट है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और आंसर मैं लिखाता हूँ। पोस्टेज स्टाम्प वेयर फर्स्ट यूज इन ब्रिटेन, इसका आंसर हो जाएगा स्टाम्प, इलेक्ट्रिस्ट स्टाम्प। हाउ डज द ऑथर डिफाइन स्टाम्प? इट इज ऑफिशियल सील जनरली यूज टू शो डैट अ टैक्स और फी हैज बीन पेड। विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टाम्प? पोस्टेज स्टाम्प आर मोस्ट कॉमन फॉर्म। When did philately or stamp collection start and why? It started 20 years ago. People hope that their value increased like other rare things. For number, yes, collecting of a stamp hobby is called philately. Rare stamp, yani pick any four adjective, yani ki rare stamp, increase value, popular hobby, official seal ho jayega. यानी कि एक बुढ़ऊ है अपने गार्डनिंग में पानी दे रहे हैं और इसी से रिलेटेड पैराग्राफ है और इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। द कलर ऑफ द हाउस इज वाइट, हू सिट ऑन द पोर्च एंड ओल्ड वुमन। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द हाउस इन हिज स्ट्रीट एंड हु आर द टू ऑक्यूपेंट ऑफ हाउस? देर इज अ वाइट हाउस विथ ग्रे गेट, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ आर टू ऑक्यूपेंट ऑफ दिस हाउस। अब चलते हैं दो नंबर। पोएट नोटिस देयर बिगेन ए स्मॉल एक्टिविटीज, व्हाट टेल्स अस दैट दे लीड अ वेरी लोनली लाइफ। यानी कि नोबडी नॉक हिज गेट विथ एज ऑफ टाइम। फॉर नंबर, इट रिफ्यूजिंग टू बी वेप्ड आउट, दे वेटिंग फॉर समवन हु इंटर्ड इन द गेट, वीडेड आउट। इसको ये क्या है? ये हमारा पोएम है, इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़िएगा। ये नोटी बॉय के विषय में है और इसका आंसर ये रहा। द फनी लिटिल मैन इज एज क्वाइट एज अ माउस, ऑल द मिसचीफ्स आर डन बाय मिस्टर नोबडी। अब आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर नोबडी कंपेयर टू इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स एंड व्हाई? यानी कि ही इज क्वाइट नॉटी एंड डोंट शो हिज फेस। दो नंबर, ही ब्रेक्स क्रैक प्लेट एंड टीयर्स आवर बुक। डज मिस्टर नोबडी अटेंड टू द टास्क ही इज एक्सेप्टेड टू डू? वाई वाई नॉट? यस, बिकॉज ही इज वेरी क्यूरियस टू नो। ये कुछ क्या है? दो लाइन है जो क्या करते हैं, स्माइल टू डिस्क्राइब मिस्टर नोबडी, ties his tears out our book, he puts damp wood upon the fire। यानी कि ये जो दो हरकत है इससे हमें क्या आता है? हंसना आता है। अब चलते हैं फन टाइम, यही एक सबसे बड़ा वजह है। चैप्टर 17, आई हैव अ फेस एंड टू हैंड बट नो आर्म और लेग, व्हाट आई एम? क्लॉक। सेकेंड इन्वॉल्व हो जाएगा। थर्ड में जॉर्जियन कैलेंडर। फोर्थ नंबर में मंकी डंकी बनाना की। व्हाट इज बिग एस एन एलिफेंट बट वेट नथिंग, आइडिया और ड्रीम। हाथी की तरह बड़े हैं लेकिन वो भारी नहीं है। ये रहा आपका मेन, इसको आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज कर ले और इसको लिख डाले, वीडियो को पॉज करें और इसको आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर भी मैंने हिंट मार दिया है तो क्या करें, वीडियो को आप पॉज करें और अपना लिखना स्टार्ट कर डालें। देखो इसको मैं छोटा कर देता हूँ और भी इससे आपको लिखने में आसानी होगी। दो सेकेंड मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग इसको लिख डालिए। अब आगे चलते हैं मॉडल टेस्ट पेपर। इसी के साथ ये बुक ख़त्म हो गया। सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है जो कमांड देता है, यानी कि गो आउट एंड गो आउटसाइड एंड प्ले फॉर ए वाइल। इसके बाद यहाँ सेकेंड नंबर आता है, आप लोग देख सकते हैं ये क्या गया, स्टेटमेंट दे रहा है। मुंशी प्रेमचंद रोट स्टोरीज इन हिंदी एंड उर्दू।
थर्ड नंबर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, थैंक यू, थैंक्स फॉर यू द वंडरफुल गिफ्ट। फोर नंबर क्वेश्चन, व्हेन विल यू विजिट माय हाउस अगेन, ये भी क्वेश्चन। व्हाई आर यू लाफिंग, अब चलते हैं इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिक्ट। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट, ये जो सर्कल सब्जेक्ट, प्रीडिक्ट यानी अंडरलाइन मारना है। ही हैज़ मिस्ड द बस, अब इसमें क्या करना है, वर्ब को अंडरलाइन और सब्जेक्ट को, वर्ब को अंडरलाइन, वर्ब सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस प्रकार से किया गया है। अब चलते हैं डी नंबर, नाउन लगाकर भरना है। स्कूल टुमारो नेपाल इज ए कंट्री नियर इंडिया। ऑलवेज टेक गुड केयर ऑफ योर टीथ, ग्रैंड डॉटर विजार्ड, इसका मस्कुलिन विच का फेमनिन, ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। री राइट सेंटेंस, अद्या इज रनिंग वेरी फास्ट, रोहित शर्मा बैट वेरी वेल। री राइट द सेंटेंस इन द गिवन टेंस, यानी कि जो टेंस दिया है उसी के अनुसार सेंटेंस को बनाना है। द नेक्स्ट टर्म विल बिगेन ऑन मंडे। आई वॉज प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स व्हेन डिड द ट्रेन डिपार्ट्स। अब एफ नंबर, रमन्स फ्रेंड्स हैव कम टू विजिट हिम, रेनी एंड हर फैमिली आर गोइंग टू द टेम्पल टूडे, वी सॉ द वेरी फनी फिल्म टूडे, वी सॉ द वेरी फनी फिल्म टूडे, रानी प्रैक्टिस सिंगिंग फॉर एन आवर एवरी डे, प्लीज गेट सम शुगर फ्रॉम द किचन, टेक दीज बुक्स टू द स्टाफ रूम, माई सिस्टर इज मेकिंग अ न्यू ड्रेस फॉर मी, सहर हैज़ बीन इन दिस स्कूल फॉर 5 years, द टर्टोइज वन द रेस्ट ऑल्थो, हालांकि ई क्रॉल स्लोली, मंजीत इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मैच द कॉलम देन री राइट द कंप्लीट सेंटेंस। द स्पैरो मेड ऑनेस्ट ए लेडी स्कूल, यानी डांटना, अ लेडी स्कूल किसको लेडी डांटी है, द बॉय, द कुक कट हिज फिंगर, द पेंगुइन फ्लैप्ड देयर विंग, द मशीन द मैकेनिक रिपेयर्ड, क्या करता है, द कार, द मिस्ट डॉक्टर डू लिटिल एग्जामिन्ड द पेशेंट, द अर्थक्वेक कॉस्ट ए लॉट ऑफ डैमेज, द बेबी प्लीड विथ द रैटल, माई नाइबर विश्ड मी गुड लक, द शॉप शट एट 7 o'clock, द गर्ल्स आर वेटिंग, गर्ल किसका वेट कर रही है, फॉर देयर टीचर, द टीचर इज शेकिंग द नोटबुक। अंडरलाइन द एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब है उसमें अंडरलाइन करना है, जैसे ऑलमोस्ट हो गया, क्लियरली, ड्यूरिंग, डियरली, एवरीवन, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अभी इसको पैराग्राफ को पढ़िएगा, एल्फ्रेड नोबल के विषय में दिया है, उसने क्या किया, डायनामाइट वगैरह का आविष्कार, उसी के नाम पर 6 क्या है, 6 क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत नोबल पुरस्कार की 1901 में हुई थी। यानी नेम द 6 फील्ड कवर्ड बाई द नोबल प्राइज, दीज आर 6 फील्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिकल, पीस एंड इकोनॉमिक। हु वॉज अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, ही वॉज द फादर ऑफ नोबल प्राइज, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, फादर ऑफ नोबल प्राइज। वाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंट, ही इन्वेंटेड डायनामाइट एंड अदर एक्सप्लोसिव। When were the Nobel Prize started? The Nobel Prize were started in 1901. अब इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना है और उसको उनसे एक दिन के लिए छुट्टी लेना है, क्योंकि आप इंगेजमेंट सेरेमनी में जा रहे हैं अपनी बहन के। कैसे लिखाएगा, टू सेकेंड लाइन में द प्रिंसिपल एक्स वाई जेड स्कूल, यानी अपने स्कूल का नाम, उसका प्लेस कहाँ पर है, सब्जेक्ट लिव फॉर वन डे, कैसे, उसके बाद स्टार्ट करिएगा नेक्स्ट लाइन, सर I have been going to attend the engagement ceremony, so I am not able to attend my class. Therefore, you kindly leave me for one day. इसके बाद क्या लिखिएगा, नीचे your student अपना नाम class लिख डालिएगा। तो ये रहा fully complete grammar power revision। तो मिलते हैं next video में, grammar power का है class 5।
ये रहा थ्रूली रिवाइज्ड ग्रामर पावर क्लास 5। अगर और भी कोई भी क्लास का बुक आप लोग ख़त्म करवाना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं ख़त्म करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।